हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में जन्मे हर बच्चे को जीवित रहने और अच्छा स्वास्थ्य पाने का अधिकार है। नियमित टीकाकरण द्वारा बच्चों का सुनिश्चित किया जा सकता है अच्छा स्वास्थ्य, और टीकाकरण दरअसल एक औषधि है जो बच्चे का जीवन रक्षक कवच बनकर बच्चों की रक्षा करती है, बहुत सी जानलेवा बीमारियों द्वारा उसको बचाती है। टीकाकरण के बारे में बहुत सी जरूरी जानकारियां देने के उद्देश्य से ही आज हमने अपने कार्यक्रम का विषय रखा है, नियमित टीकाकरण का महत्व। जी हां, इस विषय पर बहुत सी जानकारियां देने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। और दर्शकों, टीकाकरण से संबंधित यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल है, तो आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं, और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा फोन नंबर। तो जल्दी से नोट करिए हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-228-8698, 0522-407-6802। और दर्शकों, जब आप हमें फोन करें, टीवी की आवाज को कम करना ना भूलें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें, जिससे हम आपके प्रश्न को आसानी से समझ सकें। और डॉक्टर साहब, जब तक दर्शकों के फोन आने शुरू हो जाएंगे, तब तक हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि नियमित टीकाकरण क्या है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। नियमित टीकाकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारे सभी बच्चों को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने का। एक्चुअली नियमित टीकाकरण के माध्यम से ही बहुत सी ऐसी गंभीर बीमारियां जिसकी वजह से पहले लाखों मृत्युएं होती थीं, वो अब नहीं होती हैं, और ये बहुत ही बड़े उपलब्धियां हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जैसे कि अगर हम कुछ खास खास बीमारियों को गिने तो बड़ी चेचक या स्मॉल पॉक्स पहले होती थी, उसका सफाया किया जा चुका है। पोलियो खत्म किया जा चुका है। पहले उत्तर प्रदेश में लाखों मृत्युएं टिटनस की वजह से होती थी, जन्म के तुरंत बाद 2-3 दिन बाद टिटनस हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब वो टिटनस भी नहीं होता है। इसी प्रकार से कॉलरा और बहुत सी बीमारियों को टीकाकरण के माध्यम से समाप्त किया जा चुका है, और आगे भी प्रयास यही है कि हम नए नए वैक्सीन्स को, टीकों को इसमें प्रोग्राम में सम्मिलित करें, जिससे और भी अधिक बीमारियों से हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। और ये केवल हेल्थ या मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, एक बहुत ही बड़ा सामाजिक उपलब्धि भी होती है जब हम टीकाकरण करते हैं, क्योंकि जिन बीमारियों से बच्चे बड़ी संख्या में बीमार पड़ते हैं उनसे मृत्यु भी होती है। उसके अलावा जब बीमार पड़ते हैं तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, जिसमें बच्चे की वृद्धि रुकती है, उसकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है, माँ बाप का जो उसके माता पिता के जो कार्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और बहुत सा पैसा भी खर्च होता है। अक्सर बड़ी बीमारियों की वजह से जो परिवार होता है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई होती है, और उससे बचने के लिए हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए टीकाकरण का कार्यक्रम किया जाता है। बहुत जरूरी है। और सर, एक फोन ले लेते हैं, हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं, मथुरा से अपर्णा। हेलो। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? जी, मैं डॉक्टर साहबा से ये जानना चाहती हूँ कि आजकल के मौसम में देखा जाता है कि बारिश का जो मौसम होता है इसमें डायरिया की समस्या ज्यादा होती है, और खासतौर से बच्चों के लिए काफी घातक होता है। क्या इसके लिए कोई नया वैक्सीन शुरू हुआ है? जो वैक्सीन है वो कहाँ अवेलेबल होगा और किस एज ग्रुप के बच्चों तक लगाया जा सकता है? हाँ अपर्णा जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, और ये एक तरह से हमारे टीकाकरण कार्यक्रम की सबसे नई उपलब्धि है। डायरिया जो होता है कई कारणों से होता है बच्चों में। डायरिया किसी बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो सकता है, लेकिन इनमें से अधिकतर जो 1 साल तक के बच्चों को डायरिया होता है और जिससे कि मृत्युएं भी ज्यादा होती हैं, वो रोटा वायरस है। तो रोटा वायरस के डायरिया से बचने के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है, काफी महंगी भी है। तो अभी इसको रिसेंटली 4 सितंबर को ही जो सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित किया गया है, और जो हमारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उसी में सम्मिलित है। जो भी बच्चे आगे टीकाकरण के लिए जाएंगे 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में, उनको रोटा वायरस की डोज दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन, इसमें कोई टीका या सुई नहीं लगनी है, केवल मुंह से 5 ड्रॉप पिलाई जानी है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे टीकाकरण के लिए अवश्य ले जाएं,
ताकि उनको रोटा वायरस की वैक्सीन भी मिल सके और उसका डायरिया से भी बचाव हो सके। और अपर्णा जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम अपने प्रश्न पर लौटते हैं। आप नियमित टीकाकरण का महत्व बता रहे थे, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा हर जांच में स्वस्थ पाया जाता है, उसे लगता है कि माँ बाप को कई बार लगता है इसे किसी टीके की जरूरत नहीं है, तो क्या फिर भी उसे टीके की आवश्यकता होती है? बिल्कुल आवश्यकता होती है। एक्चुअली टीकाकरण कार्यक्रम है ही इसीलिए कि बच्चा बीमार पड़े ही नहीं, और केवल बच्चा ही नहीं, जिन टीकों से बच्चे को आच्छादित किया जाता है, ये वो टीके हैं जो उसको जन्म भर पूरे जीवन भर बहुत से रोगों से बचाएंगे। जैसे अगर बाल्यावस्था में बीसीजी का वैक्सीन न लगा दिया जाए तो उसको बड़ी उम्र में भी कभी टीबी की बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर एक साल से पहले बीसीजी का टीका लग गया है, जन्म के तुरंत बाद लग गया है, तो उसको कभी भी टीबी नहीं होगी। तो इस तरह से स्वस्थ बच्चों को ही जरूरी है कि सभी टीके अवश्य लगाए जाएं। और अगर बच्चा अस्वस्थ है, कई बार इसकी वजह से लोग नहीं लगाते कि उसको बच्चे को बुखार है या दस्त हो रहे हैं, इसलिए टीकाकरण के लिए नहीं ले जाते हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों को तो और भी आवश्यक है सभी टीके लगाना, ताकि अगर वो एक रोग से ग्रसित भी है तो अन्य रोगों से उसको आप बचा लें। और डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे, उनका फोन ले लेते हैं। दिनेश तिवारी जी हैं मध्य प्रदेश सागर से। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। दिनेश जी, क्या जानना चाहते हैं? दिवेश जी, क्या क्या जानना चाहते हैं? जी सर नमस्ते। सर मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सर जो हम वैक्सीन लगवाते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं, और कुछ वैक्सीन जो ऐसे रहते हैं जो प्राइवेट रहते हैं, जो डॉक्टर रेफर करते हैं कि आप हमारे यहाँ से लगवाइए, जो 3,000-4,000 के होते हैं महंगे वाले, तो जो गवर्नमेंट लगाती है और जो प्राइवेट है, इसमें क्या मतलब अंतर होता है? वो जरूरी होते क्या लगवाना कि नहीं लगवाएं? ये कई महंगे वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं। जो भी अधिकतर जो बच्चों के लिए आवश्यक वैक्सीन है, टीकाकरण है, उनको सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। सरकार ये देखती है कि कौन सी बीमारियां ज्यादा व्याप्त हैं, किससे जीवन को ज्यादा खतरा है, मृत्यु हो सकती है, और आवश्यकता अनुसार नए टीके भी सम्मिलित करती रहती है। जैसा अभी मैंने बताया कि रोटा वायरस की वैक्सीन भी आ गई है, इसी तरह से एमआर वैक्सीन, अभी जब मीजल्स की वैक्सीन लगती है खसरे की, इसके स्थान पे मीजल्स रूबेला वैक्सीन, ये कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी नवम्बर से लगाई जाएगी। तो अधिकतर आवश्यक वैक्सीन हमारे कार्यक्रम में दी जाती हैं। और कई बार ये धारणा होती है कि हम प्राइवेट में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम टीकाकरण के बारे में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो क्वालिटी आपको सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में मिलती है, ये शायद आपको प्राइवेट में न मिल पाए, भले ही आप बहुत अधिक पैसा वहां खर्च करते हैं। तो सरकारी व्यवस्था में पूरा एक कोल्ड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन कार्यक्रम में, और कोल्ड चेन को मैनेज करने का और उसको मॉनिटर करने का एक बहुत बड़ा तंत्र है सरकारी सिस्टम में। तो इवन केवल गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर ये नहीं है, बल्कि यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करती हैं, और कहीं पे भी अगर कोल्ड चेन में जरा से भी प्रॉब्लम होती है तो उसको इमीडिएटली उसको ठीक कर लिया जाता है। तो इसलिए सरकारी तंत्र में जो आपको वैक्सीन मिलती है बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी होने की संभावना नहीं है। और दिवेश जी, आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम फिर से अपने प्रश्न को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपने बताया था कि कई बार लापरवाही बरती जाती है या बच्चे स्वस्थ हैं तो टीका नहीं लगता है, तो क्या बुखार की अवस्था है तो उस टाइम भी टीकाकरण किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हल्का फुल्का बुखार है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे को समय पर ले जाकर टीके लगवा लेने चाहिए। यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है जिसकी वजह से टीके नहीं लग सकते हैं, तो जैसे ही वो बीमारी से उभरता है, स्वस्थ होता है, उसको जो भी टीके बचे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी लगवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी के साथ कई बार देखा गया है कि घर वाले जो हैं, बच्चे के माता पिता या परिवार वाले लापरवाही बरतते हैं, कई टीकों की एक डोज हो जाती है, दूसरी डोज छूट जाती है, तो बच्चे के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा ऐसी स्थिति में? उसको टीकाकरण का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे किसी भी वैक्सीन की पेंटावेलेंट की बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो पेंटावेलेंट की 3 खुराकें लगनी है। अगर एक ही खुराक लगी है या 2 खुराक लगी है तो जो उसको उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिलेगा, और उससे जो जिन बीमारियों से बच्चा कवर हो रहा है, आच्छादित हो रहा है पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाने से, वो बीमारियां उसको बाद में हो भी सकती हैं। किसी भी कारण से यदि टीकाकरण नहीं हो पाया, एक डोज छूट गई या डिले हो गई, विलंब हो गया, तो जल्दी से जल्दी जब भी अवसर हो उसको जाके लगवा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ जानना चाहेंगे, नियमित टीकाकरण अभियान है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टीके आते हैं? नियमित टीकाकरण के अंतर्गत मैं क्रम से बता देता हूं। बिल्कुल।
सबसे पहली व्यवस्था है, जो भी बच्चे किसी अस्पताल में जन्म लेते हैं वहां पे उसको जन्म के समय ही डिस्चार्ज करने से पहले तीन तरह के टीके देने की व्यवस्था है। एक तो बीसीजी वैक्सीन पहले लगा दी जाती है जिससे उसको टीबी जैसी बीमारी ना हो, दूसरा पोलियो की दो बूंद पिलाई जाती है, और तीसरा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी 24 घंटे के अंदर लगा देने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि कई बार माँ को संक्रमण होता है हेपेटाइटिस बी का, हो सकता है इसकी जानकारी भी ना हो और वो संक्रमण बच्चे को माँ से मिल सकता है, तो उसको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अगर ये जन्म के समय 24 घंटे के अंदर हम हेपेटाइटिस बी लगा दें तो बच्चा इससे सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से ये तो जन्म के समय हो गया, इसके बाद पहली बार बच्चे को 6 सप्ताह की उम्र में लाना होता है टीकाकरण के लिए। 6 सप्ताह की उम्र में उसको ओपीवी की डॉप पिलाई जाती है, पेंटावेलेंट की वैक्सीन दी जाती है जो कि बच्चे को 5 रोगों से बचाती है। इसके अलावा रोटा वायरस की वैक्सीन अभी आ गई, रोटा वायरस की वैक्सीन दी जाती है, और आईपीवी की एक खुराक, प्लस कुछ जिलों में जहां जहां पे न्यूमोकोकल वैक्सीन प्रारंभ हो गई है, अभी यूपी के 6 जिलों में प्रारंभ हुई है, तो न्यूमोकोकल ये बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए दी जाती है, ये भी लगाई जाती है। तो 6 हफ्ते इसी प्रकार से 10 हफ्ते होने पे, यानी कि पहली ये सारी खुराकें मिलने के 4 सप्ताह बाद या 1 माह बाद बच्चे को फिर से लाना होता है, तो जिसमें कि बच्चे को पेंटावेलेंट की वैक्सीन दी जाती है, ओपीवी खुराक दी जाती है और रोटा वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। 14 सप्ताह होने पे फिर से जो 6 सप्ताह पे वैक्सीन दी गई थी उनको रिपीट किया जाएगा। तो इस तरह से एक एक महीने के अंतर पे बच्चे को 3 बार वैक्सीनेशन के लिए ले जाना होता है, और इन 3 बार ले जाने पे बच्चे को अधिकतर टीके मिल गए हैं, अधिकतर गंभीर रोगों से उसकी सुरक्षा हो गई है। इसके बाद जब बच्चा 9 माह का होता है तो उसको पुनः ले जाना चाहिए 9 माह से 12 माह के बीच में टीकाकरण के लिए, जिसमें बच्चे को मीजल्स की एक डोज दी जाती है, ये बच्चे को खसरा से बचाता है। बहुत जल्दी ही मीजल्स के स्थान पे एमआर वैक्सीन आ जाएगी जो बच्चे को खसरा से तो बचाएगी, उसके अलावा रूबेला सिंड्रोम से भी बचाएगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट वैक्सीन है। और इसके अलावा जापानीज इंसेफ्लाइटिस, उत्तर प्रदेश के खासतौर पे कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे जापानीज इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप रहता है, दिमागी बुखार, उससे बचाव के लिए 38 जिलों में ये टीका लगाया जाता है, तो ये भी उन 38 जिलों में रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में ही शामिल है। तो इस तरह से जब बच्चा जाएगा 9 महीने से 12 माह के बीच में तो उसको एक मीजल्स या एमआर की वैक्सीन दी जाएगी और एक जेई वैक्सीन दी जाएगी, साथ में विटामिन ए की खुराक भी बच्चे को मिलनी चाहिए, जो कि बच्चे को, हालांकि ये वैक्सीन नहीं है लेकिन बहुत से रोगों से उसकी सुरक्षा करता है, तो इन मीजल्स और जेई वैक्सीन के साथ में उसको विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है। इसके बाद 1 से 2 साल के बीच में बच्चे को एक बार फिर ले जाना चाहिए करीब 1.5 साल की उम्र पे, जिसमें कि उसको मीजल्स की दूसरी खुराक और अगर जेई अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है तो जेई की दूसरी खुराक दी जाती है और पोलियो की भी खुराक पिलाई जाती है। इतने सारे टीके हैं। और डॉक्टर साहब इसी के साथ हमारे साथ एक दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप जी हैं बाराबंकी से। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है। नंद स्वरूप जी क्या जानना चाहते हैं? जानना मैं ये चाहता हूँ कि जो ये टीका लगते हैं तो इनकी कहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं नंद स्वरूप जी की कहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं टीकाकरण के लिए। नंद किशोर जी, ये जो जितने भी टीके हैं, हमारे जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सीएससी, पीएससी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके अलावा सब सेंटर उपकेंद्र जहां पे एएनएम रहती है, उन जगह तो उपलब्ध है ही। उसके अलावा कई बार लोग दूरी होने की वजह से पीएससी सीएससी पे बच्चों को नहीं ले आते हैं या सब सेंटर पे भी नहीं ले आते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि हर एक बड़े गांव में महीने में कम से कम एक बार टीकाकरण का सेशन लगाया जाता है, जिसमें न केवल टीकाकरण बल्कि इसको हम लोग वीएचएनडी बोलते हैं, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, तो इसमें टीकाकरण के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जो एवरेज साइज के मीडियम साइज के गांव हैं या बड़े साइज के गांव हैं, वहां पर तो महीने में एक दिन फिक्स होता है, वो महीने का कोई बुधवार या कोई शनिवार हो सकता है। उसके अलावा जो बहुत छोटे गांव होते हैं 10-5 घर वाले, वहां पे हर माह ये काम नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको भी 2 माह या 3 माह में एक बार टीकाकरण का सत्र वहां भी लगाया जाता है, ताकि अगर किसी कारण से वहां के बच्चे उपकेंद्र में नहीं आ सके हैं तो वहां पे उनका भी टीकाकरण कर दिया जाए। जी, और नंद स्वरूप जी कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। दर्शकों आप देखते रहिए डीडी यूपी मिशन हेल्थ, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नियमित टीकाकरण के महत्व के बारे में। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक दर्शक शुभी हैं, मौजूद हैं लाइन पे लखनऊ से। हेलो
हाँ हेलो डॉक्टर साहब, से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि टीकाकरण के बाद किस तरह की सावधानियां रखी जाएं जिससे बच्चे को तकलीफ ना हो, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि टीकाकरण के बाद बच्चे को बुखार हो जाता है और तरह की परेशानियां हो सकती हैं उसे, तो किस तरह की सावधानियां रखें, किन का बातों का ध्यान रखें। टीकाकरण के बाद अधिकतर तो कोई बड़ी इस तरह की समस्या नहीं आती है, हाँ कभी कभी बुखार आ सकता है, तो इसमें चूंकि पहले से हमें पता है कि टीकाकरण के बाद बुखार आ सकता है जी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, अगर बुखार आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने टीके लगाए हैं वो अंदर अपना कार्य कर रहे हैं जी। और अगर अधिक समस्या है तो इसके लिए पैरास्टामोल या बुखार की दवा दी जा सकती है, एएनएम बहन जी के द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है, इससे बिना घबराए हुए आगे बाकी टीके लगवा लेने चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी समस्या आने की संभावना नहीं है जी। शुभी जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे नियमित टीकाकरण के अंतर्गत टीकों के नाम आपने बताए, अब ये टीके कब कब लगवाए जाते हैं और क्या ये निःशुल्क हैं पूरी तरह? सबसे पहला तो जरूरी क्वेश्चन है कि निःशुल्क है या नहीं जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। और मैं बिल्कुल बता दूं कि जितने भी टीके सरकारी संस्था के द्वारा लगाए जाते हैं जी। चाहे वो जिला अस्पताल लेवल का हो, महिला चिकित्सालय या पीएससी सीएससी या फिर सब सेंटर या फिर गांव के अंदर जो टीकाकरण सत्र लगा है जी। ये पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना होता है जी। अगर कहीं पे इस तरह की बात आती है तो गलत है। दूसरा क्वेश्चन जी, इसके साथ आपने बताया था कब लगवाए जाते हैं और किन किन बीमारियों से रक्षा करते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। बिल्कुल जी। कब लगवाए जाते हैं ये तो मैंने अभी थोड़ा सा एक बताया भी था, तो जैसे आपने बताया कि कुछ टीके जन्म के समय ही लग जाने होते हैं, 24 घंटे के अंदर लग जाना अच्छा है, उसके बाद 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में लगवाने चाहिए जी। इसके बाद अगला समय होता है 9 से 12 माह के बीच में, एक बार बच्चे को ले जाना है टीकाकरण के लिए, और उसके बाद 1.5 वर्ष की उम्र पे। इतने बार अगर ये जो है जन्म के बाद अगर हम 5 बार बच्चे को ले आते हैं टीकाकरण के लिए तो काफी सारी बीमारियों से उसकी सुरक्षा हो जाती है। इसके बाद टिटनेस जैसे कुछ वैक्सीन और हैं जो बाद में भी लगवाना चाहिए, तो जो कि 5 साल और 16 साल की उम्र में लगवा लेना चाहिए, तो जिससे टिटनेस से पूरे जीवन बचत रहती है, बचाव रहता है। डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ कई बार जैसे भी आपने बुखार का जिक्र किया, तो क्या जरूरी है कि हर टीके के बाद बुखार आना ही है, और अगर नहीं भी आता है बुखार तो इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टीका लगाने के बाद बुखार आए ही जी। हो सकता है हल्का बुखार आए और मालूम भी ना पड़े, तो बुखार आना जरूरी नहीं है, और अगर बुखार नहीं आया है तो कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है जी। मीन्स बुखार आया या नहीं आया दोनों चीजों में बच्चा नॉर्मल है। बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब, एक बार फिर से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो दर्शकों आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डीडी यूपी मिशन हेल्थ। हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नियमित टीकाकरण के महत्व के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, आपने टीकाकरण के बारे में बहुत सी बातें बताई, क्या इसका कोई नियत स्थान होता है, केंद्र होता है, या इसमें भी जो बच्चे छूट जाते हैं घर घर जाने की कोई व्यवस्था है इसमें भी? सबसे पहले घर घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो हो भी नहीं सकता और उचित नहीं है जी। क्योंकि फिर जो वैक्सीन लगाई जानी है उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी, ये एक जगह बैठ के ही लगाया जा सकता है जी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला लेवल के अस्पतालों में तो लगाया ही जाता है, उसके अलावा गांव में प्राथमिक उप केंद्र होते हैं जहां पे एएनएम बहन जी रहती हैं, वहां भी लगाया जाता है, और उसके अतिरिक्त हर एक गांव में भी एक जगह टीकाकरण सत्र लगाने की व्यवस्था की गई है, तो लेकिन वहां पे जो नियत दिन होता है महीने का, उस दिन वहां पे एएनएम जाके लगाती है और एक जगह बैठकर ही लगाती है, घर घर जाके नहीं लगाती है जी। तो टीकाकरण के केंद्र फिक्स होते हैं गांव में जी। और दर्शक एक मौजूद है फोन लाइन पे, सोनाली गोरखपुर से हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। जी सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? जी मेरा ये प्रश्न था कि जो सरकारी स्कूल सरकारी अस्पतालों में टीके लगवाए जाते हैं वो निःशुल्क होते हैं या उनसे शुल्क लिया जाता है कोई? जी सरकारी अस्पतालों में जो भी टीके लगाए जाते हैं पूर्णतया निःशुल्क होते हैं, इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है जी। सोनाली जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, टीकाकरण के जो केंद्र हैं वहां पे टीका लगते समय किन विशेष सावधानियों को बरतना जरूरी है? टीकाकरण के समय
जो कार्यकर्तियों को सावधानी बरतना चाहिए उसकी उनको बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया हुआ है और उसका वो पूरा ध्यान रखते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कोल्ड चेन। जितनी भी तरह की वैक्सीन है उनका हर एक का अलग अलग नियत तापमान है जिसपे उनको रखना चाहिए, तो उसी हिसाब से उसको वो वैक्सीन को रखते हैं। और इसी प्रकार से कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो वायल जो उसकी शीशी है उसके खुलने के बाद केवल 4 घंटे तक ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो उसको 4 घंटे के बाद वो इस्तेमाल नहीं करती हैं, भले ही उसमें वैक्सीन बची रह गई हो, और अगर कुछ और बच्चे आ गए हैं तो उसके लिए दूसरी वायल खोलनी होती है। ये तो टीकाकरण कर्मियों को ध्यान रखना होता है जिसका वो ध्यान रखते भी हैं। जो माता पिता हैं जो बच्चों को लेके आए हुए हैं उनको कोई विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, वो बस बच्चों को ले आए समय पे टीके लगवा लें। और बस एक सुझाव जरूर रहता है कि जब वो आए टीकाकरण के लिए तो बच्चे का टीकाकरण कार्ड अवश्य ले आए और उसमें उसकी एंट्री करा लें जो जो टीके लगाए गए हैं, और टीका लगवाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक केंद्र पर रुकें ताकि अगर बच्चे को कोई समस्या होती है या उनको ऐसा लगता है कि टीका लगवाने के बाद बच्चे को कोई समस्या हो गई है तो उसका निराकरण वहीं हो सके और घर जाने के बाद परेशानी ना हो। यद्यपि टीका लगने के बाद कोई समस्या होने की संभावना बहुत कम रहती है, लगभग ना के बराबर ही रहती है। तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी सावधानियां ली जाती हैं टीका लगाते वक्त, इसमें क्या जन सहभागिता जो है उसके द्वारा इस अभियान को बढ़ावा दिया जा सकता है? दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग पिछले कई वर्षों से पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे 100% बच्चों को सभी टीके लग जाएं। अगर ये होने लगेगा, सभी बच्चों को टीके लगने लगेंगे तो हमारे बच्चे ज्यादा स्वस्थ होंगे, बीमारियां कम होंगी, अस्पताल कम जाना पड़ेगा, अस्पताल जो हैं वहां पे डॉक्टर दूसरे जो गंभीर मरीज हैं उनको ज्यादा समय दे सकेंगे, और जो माता पिता जो एक दिन या एक घंटे की परेशानी से बचने के लिए टीकाकरण नहीं कराते हैं उनको जो बीमार होने पे, बच्चे के बीमार होने पे कई कई दिन व्यर्थ करना पड़ता है, गंवाना पड़ता है, वो बच जाएंगे और धन भी बचेगा और इनकम भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, तो इसलिए जरूरी है कि जागरूकता फैलाई जाए। और इसके लिए हम सभी का कर्तव्य है, जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हम लोग बस ये ध्यान दें कि हमारे आसपास जो दूसरे लोग हैं, खासतौर पर अगर हमें लगता है कि उनके अंदर जागरूकता की कमी है या बच्चों का टीकाकरण समय से नहीं करा रहे हैं, तो उनको समय समय पर टोकते रहे, याद दिलाते रहे कि तुमने बच्चे को टीका लगवाया या नहीं लगवाया, अगर नहीं लगवाया है तो जाके लगवा लो। अगर हमारे घर में कोई इस तरह के काम करने वाली महिला है या हमारे कार्यालय में कोई काम कर रहे हैं और उनका छोटा बच्चा है तो उनको आवश्यकता हो तो हम 1-2 घंटे की या 1 दिन की छुट्टी भी दे दें कि जाके टीकाकरण करवा लें। इतना अगर सभी लोग सहयोग दे दें तो 100% बच्चों का टीकाकरण हो जाएगा और हमारे बच्चे अधिक स्वस्थ रहेंगे। जी, सभी का सहयोग प्रॉपर मिले तो सभी बच्चों तक टीकाकरण पहुंच सकता है। और डॉक्टर साहब, टीकाकरण के बारे में कोई आवश्यक बात जो दर्शकों से साझा करना चाहें आप? मैं एक बार फिर से इसी चीज को रिपीट करूंगा क्योंकि हम लोग बहुत अधिक प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी बच्चे हमारे सभी टीकों से आच्छादित रहें और स्वस्थ रहें, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से हम लोग 80% के आसपास बच्चों को पूरे टीके दे पा रहे हैं, बाकी बच्चों को या तो कोई टीका नहीं मिला है या आधे मिले आधे नहीं मिले। तो इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों को टीके लगवाएं, आप अपने आसपास के बच्चों को भी प्रेरित करें कि टीके लगवाएं। अगर किसी कारण से कभी कोई समस्या हुई भी है टीके लगने से तो भी बच्चे को लेके जाएं और बाकी बचे हुए टीके लगवा लें। जी बिल्कुल। और दर्शकों, ये था आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम टीकाकरण के महत्व के बारे में। और अब चलते 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 में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न जिसका सही जवाब आप हमें पत्रों के माध्यम से या ईमेल द्वारा दे सकते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आज का प्रश्न। चलते चलते में आज का प्रश्न है, क्या सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण पूरी तरह से निःशुल्क होता है? प्रश्न एक बार आप फिर से सुन सकते हैं, क्या सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण पूरी तरह से निःशुल्क होता है? और इस प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए अब जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है, प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारी ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupilko@gmail.com। और दर्शकों, आपके पत्रों की प्रतीक्षा में जरूर रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी टीकाकरण के महत्व के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और दर्शकों आप देखते रहें मिशन हेल्थ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाते रहें और स्वस्थ बने रहें। नमस्कार।